अक्सर हमें अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना पड़ता है, चाहे आप पीडीएफ फॉर्म में निकालो या फिर प्रिंट करवा करके निकालो, लेकिन जरूरत हमें कई जगहों पर पड़ती है, हमें मांगा जाता है बैंक स्टेटमेंट। ओके, अब ऐसे में अगर आप लोग एक एसबीआई के कस्टमर हैं, तो फिर आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए 2-3 स्टेप फॉलो अवश्य करते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके आसपास कोई एसबीआई का ब्रांच है तो फिर आप वहां पर विजिट करते हैं और पासबुक को प्रिंट करवा लेते हैं, और पासबुक पर आपका सारा ट्रांजैक्शन डिटेल्स प्रिंट होकर के आ जाता है। इसके अलावा दूसरा मेथड यह है कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है और आपने एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर रखा है, तो आप एसबीआई नेट बैंकिंग के ऑफिशियल पेज पर जाकर के अपना यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन करते हैं और वहां पर जाकर के आप अपना स्टेटमेंट निकाल लेते हैं। या फिर इसके अलावा तीसरा मेथड है योनो एसबीआई ऐप और योनो लाइट एसबीआई ऐप। इन दोनों एप्लीकेशन के थ्रू आप रिसेंट के 6 महीने के ट्रांजैक्शन आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। ठीक है, इन सारे तरीकों से हर एक एसबीआई कस्टमर अपने बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाल पाते हैं। बट मान लीजिए आपके केस में हो सकता है, ऐसा रेयर केसेस में होता है, मान लीजिए आपके केस में आपके आसपास कोई भी एसबीआई का ब्रांच नहीं है, है तो सही बट बहुत दूर है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपके पास ना तो एटीएम कार्ड अभी है और ना ही आपने अपने एसबीआई नेट बैंकिंग को रजिस्टर कर रखा है, यानी कि एक्टिवेट कर रखा है। ठीक है ना, तो अगर आप लोग एसबीआई नेट बैंकिंग को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है, तो ऐसे में आप लोग ना तो योनो ऐप यूज कर पाएंगे, ना ही योनो लाइट एसबीआई यूज कर पाएंगे, और ना ही आप एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज कर पाएंगे। अब ऐसे में किस तरीके से हम अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकाले, तो दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको बाय चांस कभी भी अपने एसबीआई अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने की जरूरत पड़ जाती है, चाहे कितने भी दिनों का हो, 1 साल का हो, 6 महीने का हो, 2 महीने का हो, ठीक है ना, और आपके पास ना तो एटीएम कार्ड है, ना ही आप एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज करते हैं, अभी तक आपने क्रिएट ही नहीं किया है यूजर नेम पासवर्ड, और साथ ही आपके आसपास कोई भी ब्रांच एसबीआई का नहीं है, तो कैसे आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, पूरी डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना ब्रांच विजिट किए और बिना नेट बैंकिंग के थ्रू अपने अकाउंट का स्टेटमेंट यानी कि ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकालने के लिए सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। आप अपने डिवाइस को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर सर्च बार में आपको टाइप करना है SBI क्विक। ठीक है, आपको SBI क्विक टाइप करना है। जैसे ही आप SBI क्विक टाइप करके सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एक एप्लीकेशन आ जाएगा। ठीक है, और इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने डिवाइस में। ओके, उसके बाद यहां पर आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट टाइम आपसे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, आप अलाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है, उसके बाद आप सेकेंड स्टेप को फॉलो करके ट्रांजेक्शन डिटेल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे। एक ऑप्शन दिखेगा आपको अकाउंट सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप इन सारे सर्विसेज को तभी यूज कर पाएंगे जब यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है इसको समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर में दिखेगा रजिस्टर, ठीक है, ब्लू कलर में यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर अब आपको अपना अकाउंट नंबर इनपुट कर देना है जो आपके पासबुक पर प्रिंट किया हुआ होता है। ठीक है, उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर इनपुट कर दीजिए और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने अकाउंट नंबर इनपुट कर दिया और आप सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप मैसेज वाले बॉक्स में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए आपको कुछ टाइप नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ लिखा क्या हुआ है सो मैं आपको क्लियर करता हूँ। REG कैपिटल लेटर में REG दिखेगा नीचे में, जहां पर आप मैसेज टाइप करते हैं और आपका अकाउंट नंबर दिखेगा जिसको मैंने ब्लर कर रखा है। ठीक है, और ऊपर में एक नंबर दिख जाएगा। सिंपल आपको क्या करना है, इसी नंबर पर इस मैसेज को सेंड कर देना है। किस मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, उसी मोबाइल नंबर से आपको इस मैसेज को सेंड करना है कुछ इस तरीके से। और इस मैसेज को सेंड करने के बाद
तुरंत आपको एक मैसेज आ जाएगा कि देखिए यहाँ पर आ चुका है, डियर कस्टमर योर मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर दिस सर्विस। ठीक है, मीन्स अगर आप पहले से रजिस्टर हो रखे हैं तो इसी तरीके से मैसेज आएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होंगे मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर इन सर्विस के लिए रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कर दिया गया, इस तरीके से मैसेज आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है। अब आ जाना है आपको बैंक। अब देखिए आपने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली कर लिया, अब आप लोग इन सारे सर्विसेज को यूज कर पाएंगे आसानी पूर्वक। ठीक है, अगर आपको अपना बैलेंस इंक्वायरी करना है अपने बैंक अकाउंट का तो आप सिंपल इस कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, एक दो रिंग होगा और कॉल ऑटोमेटिक कट जाएगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से पता चल जाएगा कि आपके बैंक में इतना बैलेंस अभी शेष बचा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मिनी स्टेटमेंट भी आप कॉल के माध्यम से मंगा सकते हैं, लेकिन और थोड़ा डिटेल में आप मंगाना चाहते हैं स्टेटमेंट तो फिर देखिए आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा 6 मंथ ई स्टेटमेंट। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मैसेज का एक आइकन बना हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक पॉपअप मैसेज की तरह एक ओपन हो जाएगा बॉक्स, और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन फिलअप करना होगा, दो बॉक्स फिलअप करना होगा। सबसे पहले तो आपको इस बॉक्स में अपना अकाउंट नंबर फिलअप करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का पासकोड जो आप कह सकते हैं पासवर्ड वगैरह उसको आपको फिलअप कर लीजिए, मीन्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं 4 डिजिट का यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, उसके बाद सबमिट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों बॉक्स में फिलअप कर लिया है, अपना जो भी डिटेल्स था डाल दिया। अब आपको करना क्या है, सिंपल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा मैसेज वाले एप्लीकेशन में। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर ऊपर में एक नंबर दिख रहा होगा, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा ESTMT मतलब ई स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद स्पेस और आपका अकाउंट नंबर, उसके बाद स्पेस और जो भी आपने पासवर्ड इनपुट किया था वो आपको दिख जाएगा, जिसको मैंने ब्लर सिक्योरिटी पर्पस की वजह से कर रखा है। ठीक है, अब इस मैसेज को भी आपको सेंड करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद मैसेज तुरंत सेंड हो जाएगा और उसके बाद आपको मैसेज भी आ जाएगा योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसीड। देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा, योर रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्रोसीड इट विल बी डिलीवर्ड ऑन इतना gmail.com। ये जो आपको दिख रहा होगा ये आपका जीमेल अकाउंट है स्टार 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 करके। ठीक है, मीन्स आपने अपने अकाउंट में जो भी जीमेल अकाउंट लिंक कर रखा है उस जीमेल अकाउंट पर आपका जो स्टेटमेंट है वो सेंड कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर आप अपना जीमेल अकाउंट चेक कर लीजिए कौन सा जीमेल अकाउंट है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं अपना स्टेटमेंट। अगर अभी तक आपने अपने अकाउंट में स्टेटमेंट यानी कि अपने बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी को लिंक नहीं किया है तो आप घर बैठे ही अपडेट कर सकते हैं योनो SBI की हेल्प से। इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, काफी ज्यादा फायदा होता है। अब देखिए आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर जीमेल ऐप को ओपन करना है, और जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद देखिए ऊपर में आ चुका है SBI क्विक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नंबर इतना, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ऊपर में आपको डेट भी दिख जाएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जिस डेट से जिस डेट तक आपने लिया है आपको यहाँ पर दिख जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप नीचे आइए, यहाँ पर आपको एक PDF फाइल दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ, आप मोर पर क्लिक कीजिए, आप तो चाहे तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए क्या है कि अब आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, जो आपने पासवर्ड सेट किया था वह पासवर्ड यहाँ पर आपको इनपुट करना होगा। अगर आप गलत इनपुट करते हैं तो फिर आप ओपन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको याद भी रखना होगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ जो भी पासवर्ड मैंने इनपुट किया था, उसके बाद ओपन करना है। अब देखिए जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट आ चुका है डेट वाइज सीरियल वाइज। ठीक है, किस डेट को कितने बजे और कितना रुपया डेबिट हुआ है मेरे अकाउंट से, कितना क्रेडिट हुआ है मेरे अकाउंट में, कहां पर गया है, कहां से आया है, सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 10 पेज आपको यहां पर दिख रहे होंगे। ठीक है ना, मतलब कि ये सारे आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट है, आपने जितने भी पैसे खर्च किए हैं या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं वो सारे के सारे यहां पर आ जाएंगे। मैं आपको जूम करके एक एक करके नहीं दिखा सकता सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से घर बैठे ही बिना नेट बैंकिंग के और बिना पासबुक या बिना ब्रांच गए अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। सिर्फ कंडीशन यह है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके अलावा आपके बैंक अकाउंट में कोई ना कोई एक ईमेल आईडी लिंक होना चाहिए। ठीक है, तब आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट बिना बैंक गए बिना नेट बैंकिंग के निकाल सकते हैं और कहीं पर भी उसको यूज कर सकते हैं।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद तो आप मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए।